आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन ने पूछा है कि कलर्स ऑफ थिन सोप बबल्स आर ड्यू टू, तो कलर्स ऑफ थिन सोप बबल किस वजह से होता है? तो जो सोप बबल होता है उसमें ऐसा होता है कि जब हमारा जो वाइट लाइट है जब इंसिडेंट होगा सोप बबल पे, तो पार्टली जो वाइट लाइट होगा दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी अपर सरफेस एंड पार्टली बाय दी लोअर सरफेस। तो रिफ्लेक्शन होता है हमारा ऑफ वाइट लाइट, पार्टली बाय अपर सरफेस एंड पार्टली बाय लोअर सरफेस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जब रिफ्लेक्शन होता है बाय द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस, तो जो वाइट लाइट है वो क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती हैं बोथ, ये दोनों जो होती हैं बोथ द रिफ्लेक्टेड लाइट्स, रिफ्लेक्टेड लाइट्स ये क्या होते हैं, दे विल सुपर इम्पोज एंड इट विल कॉज इंटरफेरेंस, विल सुपर इम्पोज सॉरी सुपर पोज, इसको सुपर पोज बोलते हैं, सुपर पोज टू कॉज इंटरफेरेंस। सो द कलर्स होते हैं, द कलर्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा आर विजिबल इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसी वजह से जो कलर्स ऑफ सोप बबल्स है आर कॉज्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द कलर्स विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा आर विजिबल इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा आर विजिबल इन रिफ्लेक्टेड लाइट, और इसी वजह से इंटरफेरेंस की वजह से हमें कलर्स ऑफ सोप बबल्स देखने को मिलते हैं। देयरफॉर कलर्स ऑफ थिन सोप बबल्स आर फॉर्म्ड, देयरफॉर कलर्स ऑफ थिन सोप बबल्स आर फॉर्म्ड। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज इंटरफेरेंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।